महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। करंट लगने से दरोगा की मौत। किच्छा के थाना पुलभट्टा में तैनात एएसआई सुरेश पसबोला की करंट लगने से मौत हो गई। एएसआई थाना पुलभट्टा परिसर में बनी बैरक में निवास करता था। आज प्रातः समय लगभग नित्य क्रम करने के पश्चात स्नान करते हुए थाना परिसर में स्थित टंकी के पास मौजूद थे एवं कपड़े व जूते धुलाई के पश्चात जूतों के सुखाने हेतु पास में स्थित दीवार पर रख रहे थे। इसी दौरान उसी दीवार से सटे हुए लोहे का सोलर लाइट पोल लगा हुआ है, जिस पर प्रकाश व्यवस्था हेतु मरकरी लाइट आदि लगाई गई है। बारिश होने के कारण उस पोल पर विद्युत करंट फैल गया था एवं एएसआई सुरेश पसबोला के पोल में फैले करंट के चपेट में आ जाने से घायल होने के कारण मौके पर गिर गए। मौके पर थाने में तैनात दरोगा और सिपाही ने उठाने की कोशिश की गई तो उन्हें भी करंट महसूस हुआ। वहीं मौजूद सिपाही द्वारा लकड़ी की मदद से उनको करंट के चपेट से अलग कर उपचार हेतु मौके से उठाकर सरकारी अस्पताल किच्छा पहुंचने पर चिकित्सकों द्वारा सुरेश पसबोला को प्रथम उपचार दिया गया। एएसआई के स्वास्थ्य में कोई सुधार न पाने पर उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल किच्छा से एम्बुलेंस की सहायता से गौतम अस्पताल लालपुर ले जाया गया, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा एएसआई सुरेश पसबोला को मृत घोषित किया गया। दुखद सूचना प्राप्त हुई अर्ली मॉर्निंग 8:30 के आसपास। हमारा पुलभट्टा थाना में तैनात हमारा एएसआई श्री सुरेश पसबोला जी है, तो वो अपना नित्य कर्म करके नहा धो के अपना खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था, तो जूता सुखाने के लिए वो बाहर गया बैरक से बाहर गया तो अकेला ही था। तो जस्ट बैरक से बाहर जो है एक पुलभट्टा थाना के कैंपस में रात भर बारिश हैवी हुआ था उस एरिया में, तो खम्भे के पास एक नॉर्मल खम्भा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उस खम्भे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज़ आ गया, तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया, ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खम्भे और बिजली से झुलस रहे थे। तो तत्काल जो है दो कर्मचारियों ने इन्होंने निकालने की कोशिश करा तो उनको भी करंट झुलस गया और वो पीछे पड़ गए, मतलब वो पीछे फेंके गए। परंतु ये जो हमारा सुरेश पसबोला जी है उनका पैर के साथ शरीर चिपक गया था उसमें, तो तब जाके डंडे से तुरंत जो है उनको अलग कर लिया गया। तब तक वो बेहोशी मतलब नॉन रिस्पॉन्सिव हो चुके थे, तो तुरंत सीपीआर दे दिया गया पूरी टीम द्वारा सरकारी गाड़ी में, तत्काल जो है किच्चा हॉस्पिटल और तदुपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गया। परंतु वहाँ पर कोई एक्टिविटी कार्डियक की नहीं थी, सीपीआर लगातार प्रोटोकॉल के तहत दिया गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है, ब्रॉड इंडिकेट कर दिया है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारा दुर्घटना जो हुई है तो जिसमें हमारा एएसआई की मृत्यु हो गई, हमें एएसआई को खोना पड़ा, तो बहुत ही दुर्घटना की मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से हमारा पूरा परिवार, पूरा पुलिस परिवार जो है आहत है। हम लोग तो अग्रिम कार्रवाई हम किया जा रहे हैं, परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, नियमानुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई बनती है पंचायत नाना पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है।